ये कब की घटना है, याद है कुछ? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट। कितनी गोली चलाई थी याद है कि ना था? पता याद है, 4-5 गोली चलाई थी। भड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कौन चलाया कौन चलाया। जो साथ में थे उन्हें पैसे भी दिए गए थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के SSP के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर अभी से कुछ देर पहले पटना के SSP द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। साफ साफ बताया गया रुपेश सिंह की जो हत्या हुई थी, इंडिगो के स्टेशन हेड थे पटना के, उनकी हत्या हुई 12 जनवरी को, कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुई है उन सभी को उन्होंने बताया है। जो आरोपी सामने निकल के आया है, फिलहाल बताया जा रहा है कि 4 आरोपी हैं, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। जिसे एक की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम ऋतिक बताया जा रहा है, घर का नाम उसका रोहित था, पटना का ही वो रहने वाला था। उससे जब बातचीत हुई तो क्या कुछ वो कह रहा था, क्यों उसने मारा, कब बंदूक खरीदा, किस पिस्तौल से उसने मारा, क्यों उसकी रुपेश सिंह के साथ लड़ाई हुई थी, क्या कुछ वो अपने मुंह से कह रहा है, जरा सुनिए। उसके बाद पटना SSP ने भी क्या कहा है, जरा सुनिए। तुम्हारे गाड़ी से और रुपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं, तो फिर कैसे मरते मरते बच गए थे? बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? एक्सीडेंट से बच गए अकेले से? एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते बाद क्या किया? गोली किसने चलाई? गोली किसने चलाई? करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे हैं। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुँचे थे, पीछा किए थे? हाँ। तुमको किस बात का गुस्सा था इतना ज्यादा, किस बात का गुस्सा था? सर हमको मारे बिना मतलब का इस बात का गुस्सा? तुम गोली मार दिए, मारे थे किए? कितने गोली मारे थे? आप क्या वो गाड़ी रोके थे और आपकी गाड़ी रुकी थी, कैसे हुआ था घटना बता दीजिए। किसी के कहने पर घटना बताइए क्या हुआ? ऋतुराज ऋतुराज कितने लोग थे तुम लोग, कितने लोग थे ऋतुराज? कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? एक 1.5 महीने से लगातार प्लान कर रहे थे, पीछा करते थे डेली? गोली तुम ही चला हो? कितना गोली चला हो? हुआ था दिवाली के पहले, हुआ था दिवाली के बाद। और तुम्हारे जो साथ में थे उनके पास भी था पिस्तौल? लगा रहे हम, देख रहे हैं ध्यान से। कितना गोली मारे थे तुम, कितना गोली मारे थे? अच्छा अच्छा, ये जो आप घटना हुई थी मरते हुए जब बचे थे, तो ये कब की घटना है, याद है कुछ? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट। नवंबर लास्ट में तुम जानते थे किसको गोली मार रहे हो? कितनी गोली चलाई थी याद है कि ना था? पता याद है, 4-5 गोली चलाई थी। गुस्से में तुम लगातार गोली चलाते गए क्या? मारने के लिए शूट कर रहे थे? और कोई गोली चलाया था? अकेले चलाए? अब इतना ध्यान नहीं है सर, पहले गोली चलाए थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे, पता नहीं है कितनी गोली मारी थी। आपने अकेले चलाई थी और कितने लोगों ने चलाया? भड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कौन चलाया कौन चलाया। जो साथ में थे उन्हें पैसे भी दिए गए थे? ऋतु गोली पहली बार चलाए हो? आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? आर्म्स कहाँ से लिए थे? हथियार कहाँ से लिए? बहुत पहले का हथियार था सर, पहले भी हथियार था। किस हथियार से गोली चलाए हो? किस हथियार से गोली चलाए हो? पिस्तौल से। पहले लिए थे कि मतलब उसी समय आसपास में? वही साल भर। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक पहुंचे, वहां से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया वो मोटिव चुकी हम लोगों को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोगों ने कंफर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक व्यक्ति एक जो अपराधी है उसके द्वारा अपने। तो आपने सुना पटना SSP के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद आरोपी सामने आया, उसने क्या कुछ बताया है, गाड़ी के नंबर प्लेट सामने आया है, हेलमेट सामने आया है, तमाम चीज़ें जो है सामने निकल के आई हैं। ऐसे में उस आरोपी ने अपने मुंह से क्या कहा है पत्रकारों के सामने, हमने आपको वो सुनवाया है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर के कुछ खुलासे हुए हैं, अभी और बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं। धन्यवाद।